শুরু করছি ইন্ডিয়া এট ফোরামে রুবেলা রয়েছে আপনাদের সঙ্গে হথরাস যাওয়ার পথে চরম হেনস্থা রাহুল গান্ধীকে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বুকে ধাক্কা রাস্তার পাশে মাটিতে পড়ে যান সোনিয়া পুত্র তাকে জোর করে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে এমনটাই অভিযোগ করেছেন স্বয়ং রাহুল গান্ধী রাহুল প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে পুলিশও হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করলেও রাহুল প্রিয়াঙ্কাকে আটকে দেয় পুলিশ 144 ধারা জারি থাকার যুক্তি খারিজ করা হয় এখানে এবং 144 ধারা লঙ্ঘন করার অভিযোগে রাহুল প্রিয়াঙ্কাকে হেফাজতে নেয় পুলিশ देखिए मैं आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं सर और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली वो सबको पता है सर बताइए समझा देंगे आपसे बैठ ले लेंगे सर बताइए उनको हम बता देंगे हम सभी अभी 188 में आपको है क्या है ये 188 188 वायलेशन ऑफ एनी कौन सा ऑर्डर मैंने वायलेट किया सर 144 का है 144 में नहीं मैं पेंडेमिक का 140 में अकेले जाना चाह रहा हूं ये देख लीजिए सर ये क्या हो रहा है सर ये आपने किया है ये आपने क्रिएट किया है सर सर नहीं सर ये आपके लोग हैं सर मैं आप लोग रिप्लाई करता हूँ पुलिस की वक्तव्य यह घटना प्रेक्षित एक बार सुनबो आपको पता है पेंडेमिक है जो एपिडेमिक एक्ट है उसका वायलेशन हो रहा है सब देखे ना सभी लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं पहने हुए हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश है सब कुछ है सबका वायलेशन हो रहा है हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि सर आप प्लीज हम आपको अभी डिटेल करते हैं एग्जैक्टली जो भी चीजें होंगी जो वायलेशन हुआ उसका तो एक्ट लगना ही लगे अभी हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे ये गलत है ये आना इधर गलत है जी बिल्कुल देखिए लगातार अभी वही एक घेरा बनाकर पुलिस के द्वारा जो आपको मैं दिखा पा रहा हूँ अगर कैमरे से तो वो रख दिया गया है राहुल गांधी यहाँ पर मीडिया से बात कर रहे हैं यहाँ रुक जाएंगे मैं सिर्फ अकेला अपने आप चला जाऊँ वो मुझे अलाउ नहीं करेंगे पहले हम शांति से जा रहे थे इन्होंने वहाँ पे सबकी गाड़ी रोक दी जी इन्होंने वहाँ पे पूरा मतलब ट्रैफिक जाम कर दिया कोई 144 में कुछ नहीं मतलब हम कर रहे थे हम शांति से जा रहे थे अब ये कह रहे हैं कि हम नहीं जा सकते लेकिन सर ये कह रहे हैं कि आगे हाथरस के डीएम ने ऑर्डर किया है कि वहाँ ना जाएं कोई भी मतलब मैंने उनसे पूछा किस बेसिस पे कहते हैं 144 पे मैंने कहा 144 पे मैं तो अकेला जाऊँगा ये सब यहाँ रुक जाएंगे मैंने इनसे कहा ये सब कह रहे हैं कि हाँ हम रुक जाएंगे तो 144 तो मेरे ऊपर आगे क्या तय करें सर जाएंगे ही जाएंगे मैं तो जाना चाहता हूँ मगर ये हमें जाने नहीं दे रहे तो आप यहीं रहेंगे तब तक जब तक ये फैसला नहीं होता अभी हूँ यहाँ पे देखिए यहाँ पर लगातार अभी बने हुए हैं वो डिस्कशन जो है देखिए इसको डिस्कशन को लगभग 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं यहाँ पर फिलहाल जो पुलिस ने सबसे पहले रोका था उनको प्यार से समझाया गया था यहाँ पर उस तब भी नहीं माने गए उसके बाद आपने हमने जो तस्वीरें देखी कि भाग कर सड़क पर जी पैदल मार्च चल रहा है उसमें पुलिस रोकती है वहाँ पर जो पुलिस पैदल उन्हें रोक रही थी वहाँ भी साइडों से सड़क पर आप समझिए कितनी बड़ी यमुना एक्सप्रेस वे है उस पर अलग अलग जगहों से जब वो भागदौड़ मचती है तो पुलिस को एकदम बिल्कुल समर्थक को रोकने के लिए वो लाठी है उसका उपयोग में लाना पड़ता है लेकिन वो भगदड़ एक झड़प में बन जाती है क्योंकि जब सामने से भी पुलिस को लगातार बोला जाता है और अब लगातार वही तस्वीरें दिखती हैं कि अब डिबेट की जाएगी कि जी अब क्या किया जाएगा जी अब वो बैठक है वो सड़क पर चालू हो चुकी है उस सड़क पर ही उस बैठक को पूरा किया जाएगा क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है जब हम बाहर निकले हैं तो अब क्या किया जाए जब पुलिस आगे नहीं जाने दे रही है तो चलिए इस सड़क पर ही बैठते हैं कुछ बातचीत की जाती है थोड़ा डिस्कशन किया जाता है गिरफ्तारी या हिरासत का एक थोड़ा सा और खेल खेला जाता है क्योंकि जब हमारा पैदल मार्च रुक चुकी है तो एक बैठक क्यों ना तैयार कर ली जाए क्योंकि हमें भी तो कुछ ना कुछ बताना है